कल्चरल साइकोलॉजी ऑफ वर्क कंटिन्यूंग जो एरियाज ऑफ स्टडी हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट से और कुछ क्वेश्चन हैं एरिया ऑफ स्टडी एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेशनल कैरेक्टर है किसी मुल्क का और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ये आपस में किस तरह रिलेटेड होता है तो सवाल ये भी होता है कि जब उसी मुल्क से कोई इंसान काम करने अपने मुल्क से बाहर किसी इदारे में जाता है तो वो नेशनल कैरेक्टर के हिसाब से काम करता है या वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अपना लेता है अगर ज़ाती तजर्बे से कहूँ और लोगों की ऑब्जर्वेशन जो शेयर हुई है आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अपनाते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए तरक्की के लिए और ये सुनने के लिए कि आप आए तो पाकिस्तान से हैं लेकिन आप जितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं वीयर अमेज तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए तो वी वॉन्ट टू शो आर नेशनल कैरेक्टर इज़ हार्ड वर्क विच इज़ पाकिस्तान का नेशनल करेक्टर आर्टवर्क है लेकिन हमारे बारे में पता नहीं होता लोगों को तो हम अपना लेकिन हमारा ही नेशनल करेक्टर काम पे चोरी बहाने बनाना पूरे वक्त काम के दौरान में अपना काम करना और फिर काम के औकात के बाद जाके काम करना सो वो भी हो सकता है तो बहुत दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच है लीडरशिप स्टाइल्स का कल्चर से क्या ताल्लुक़ होता है ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं बहुत डोमिनेटिंग लीडर होते हैं डेमोक्रेटिक होते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशनल होते हैं इसमें और कल्चर के हिसाब से स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप या एम्पावरिंग लीडरशिप कम है लेकिन पर्सनलिटी भी कुछ लोगों की होती है उन्होंने अपने इदारे में ऐसा माहौल बनाया होता है कि लोग अपनी बात कर सकते हैं आसान महसूस करते हैं उनका टैलेंट प्रवान चढ़ता है उनको रिवॉर्ड मिलती है अपने काम की तो हमारा कल्चर जैसा भी हो इदारों के अंदर अच्छा कल्चर बनाया जा सकता है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया गया लोग क्यों चीज़ें खरीदते हैं किस तरह ख़रीदते हैं इट देर इज़ मोर स्टडी नीडेड इन दैट मैनेजमेंट स्टाइल एंड प्रैक्टिस कहाँ पर क्या चीज़ काम करती है कई दफ़ा मुझे ये सुनना पड़ा कि जिस तरह स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और अकोमोडेट करके उनको एमपावर करके उनके तरीके से उनको सिखा के वाला जो काम है ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में आपने बाहर ये देखा और आप चाहती हैं कि आप स्टूडेंट से ज़्यादा फ्रेंडली रहें दैट इज़ माई पर्सनैलिटी ऑल्सो बट आई लाइक द फ्रेंडली स्टूडेंट कल्चर आई लाइक द फ्रेंडली ऑफिस कल्चर बट वो कुछ कल्चर्स में वो चीज़ बहुत ज़्यादा है ऑफिस इतना आपका ध्यान रखता है कि आप लुकड आफ्टर फील करते हैं दर इज़ ए केयरिंग एन्वायरमेंट कैनेडा uh, में मैंने देखा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यंग गर्ल माई डॉटर वॉज गोइंग टू वर्क तो मैंने कहा कि तुमने नाश्ता मैं ले के जो हमारी आदत तो होती है उसके पीछे गई तो उसने कहा दे प्रोवाइड ब्रेकफास्ट एट प्लेस दे फील के जो रेस्ट किया हुआ है जिस सोया हुआ है अच्छी तरह और जिसका पेट भरा हुआ है वो बेहतर काम करेगा हम यहाँ थके हारे मरे गिरे दफ्तर में आके ड्रैग कर रहे होते हैं डज एनी वन आस तो जो इदारा ऐसा होता है कि वो लुक आफ्टर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी देता है अच्छा चाहे ये कहा जाता है पाकिस्तान में अब छुट्टी देंगे वो सर पे चढ़ जाएंगे वो उल्टे सीधे वाहनों से छुट्टियां लेंगे सो देर ऑल दैट काइंड ऑफ टॉक पर मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन इसकी रेफरेंस जो है वो नीचे मैंने दी हुई है बहुत अच्छा वो है सोर्स है इसको यूज़ करें एंड देर इज लॉट मोर दैट यू कैन फाइंड योर सेल्फ एंड देट विलाइनमेंट फाइंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इन क्रॉस कल्चरल परस्पेक्टिव एंड फाइंड आर्टिकल्स ऑन दैट अब मैं आपको पाकिस्तान वापस लाती हूँ और आपको नैरेटिव बताती हूँ एक ऐसे रिसर्चर का जो एक रीजनल कल्चर में रहते थे वो पाकिस्तान के एक सूबे को बिलोंग करती थी लेकिन वो पैंतीस साल एक और सूबे में रही दोनों सूबों के नाम आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि दैट इज़ काइंड ऑफ गिविंग जजमेंट ऑन द कल्चर कैसे इंसान बदलता है के जो मैं कम बोलती हूँ जो मैं मर्दों से बात नहीं करती जो मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करती That is what I have learned. 35 years studying and living in a city which is conservative, where women are not on streets, where offices don't uh, have same space for women, where there are hardly few women in academic institutions. So there are some of those things that have become part of our personality. Generative narrative, Dr. Saima Batool, who's Dean Management Sciences in Noor International University, I interviewed her.

एक हद हाँ तक है उससे ऊपर नहीं जाएगा फॉर ऑल द दर्स इन हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ नेवर हैड अ फीमेल वाइस चांसलर एंड तमाम को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में यू विल फाइंड आउट देयर वेरी फ्यू फ्यूमन वाइस चांसलर्स आर ओनली अपॉइंटेड इन इनमे यूनिवर्सिटीज ना इसके पीछे पॉलिसी है या रूल है या लॉ है या, या कल्चर है ये एक ग्लास सीलिंग है कि वो इससे ऊपर नहीं जाएंगे जो भी बना लें आप उनको नाउ ज़ दैट यू गैट यूज टू दैट वर्क कल्चर अगर आप मेल स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो चार दफ़ा आपके सीनियर सामने से गुजरेंगे और कहेंगे कि अच्छा आ, ये आप स्टूडेंट से बात कर रही हैं तो फेमी फीमेल एंड मेल इंटरक्शन के ऊपर नज़र बहुत रखी जाती तो रीजनल कल्चर है जिसमें आप गए हैं किसी इलाके में तो वहाँ का कल्चर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है शेयर के देर रेयर फीमेल फैकल्टी इन को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ इन दैट पर्टिकुलर प्रोवेंस मेल फ़ीमेल रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स उसी तरह ही हैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं यूनिवर्सिटी में लेकिन फीमेल फैकल्टी मेम्बर्स नहीं हैं तो मेल जो है वो फीमेल्स को भी पढ़ा रहे हैं और मेल्स को भी एजुकेशनल इन्वामेंट और वर्क इन्वायरमेंट में ये दोनों सीन जो हैं वो चलते हैं ऑपोजिट सेक्स स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन के ऊपर बड़ी एक डिसकम्फर्ट सी फील होती है इवन उनको भी जो स्टूडेंट इंटरैक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज़ टू द फीमेल्स आउटसाइड देयर फैमिली ऑफिस रूम्स फॉर फीमेल्स जो हैं, वो तक नहीं है किसी एक आधी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट हुआ है वो एक कॉमन रूम में सारी फ़ीमेल्स बैठी हुई हैं कुगस के साथ इंटरेक्शन मेल फीमेल का बहुत महदूद है नो दैट्स नॉट द केस इन कराची और लाहौर यूनिवर्सिटीज़ और इन लाम्स और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और यू नेम कॉम्सैट्स यू नो एनी यूनिवर्सिटी इन बिग सिटीज़ वर्क एथिक्स में भी फ़र्क हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में प्रोफेशनल बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किए जा रहे हैं रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हैं मस ओ पीज़ हैं एक तरीका है कि पहले एक जगह से अप्रूव होता है चीज़ फिर आगे जाती है उसमें भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर ऐसे कल्चर में नहीं फॉलो किया जा रहा जहाँ पे मेल हेड है और फीमेल वो है क्योंकि वो फीमेल को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती फीमेल को रिक्वेस्ट करना इन अ मेल डोमिनट कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट सो देट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन With this, I've given the sources in all these slides. So please look those up and read more. Be prepared for exams and assignments.